हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू होने पर जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आए और फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज जो है मैंने आपके साथ थोड़ी सी बातें डिस्कस करनी थी। अच्छा, तो मैं जो है स्टार्ट यहाँ से करना चाहती हूँ। मुझे पता है मेरे साथ आप व्यूज़ नहीं आते और मैं इतनी बड़ी कोई यूट्यूबर नहीं बन गई जो मैं आपको यहाँ पर बैठ के लेक्चर दूँ, लेकिन हम एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी। जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, ठीक है, काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं तुम क्या फारी काम कर रही हो, तुम ऐसे नहीं कर सकती हो। वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देख के मुझे कहते हैं कि वो तो इतने बड़े हैं, तुम तो ऐसे नहीं बन सकती। तो आप यकीन करें, जब मैं व्लॉग बना रही होती हूँ, जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ, तो मैं ये नहीं सोचती कि मैं जो है बड़ी यूट्यूबर हूँ, छोटी हूँ या नहीं, क्योंकि मेरा अभी स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग हमेशा जो है हमारी जीरो से होती है, हमारी हम नीचे से ऊपर जाते हैं ना, उनके ऊपर नहीं पहुँच जाते ना। इसलिए जो है मैं आपसे एक बात ऐसे जस्ट मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग, जैसे आपको पता है, जो हम एक नई फील्ड में जाते हैं तो कुछ लोग जो है हमें क्या सपोर्ट करते हैं, और कोई लोग नेगेटिव कमेंट्स निकालते हैं, नेगेटिव बातों में ले जाते हैं उस बात को। अच्छा, तो मेरे साथ सेम यही है, मैंने न्यू जो है यूट्यूब स्टार्ट की है और मेरा अभी स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी मेरा मुझे पता है मेरे वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते, और लेकिन कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में सबका ऐसे ही होता है। और जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं हमारे, जैसे दकी भाई सिस्ट्रोलॉजी और मास्टर अफ्तर, जो भी जिसका भी नाम ले लें, अच्छा वो जब उन्होंने स्टार्ट किया होगा, वो भी तो जीरो से ही स्टार्ट हुए होंगे ना, मतलब नीचे से ही स्टार्ट होंगे। यूँ तो नहीं है कि वो उनके भी डायरेक्टली मिलियन में सब्सक्राइबर चले गए थे, ऐसे तो नहीं होता। उनके भी स्टार्ट में कम ही होंगे ना सब्सक्राइबर, जिस तरह मेरे भी कम है सब्सक्राइबर। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मेहनत ना करूँ, मैं छोड़ ही दूँ, और मैं ये समझूँ कि मैं तो कर ही नहीं सकती, मैं तो ये कर ही नहीं सकती। नहीं, मैं ऐसे नहीं सोचती। और जो है आहिस्ता आहिस्ता हम आगे अपनी कामयाबी की तरफ चले जाएंगे, हमने रास्ता पकड़ लिया एक, और अब मेरा ख्वाब बन गया यूट्यूबर बनना। जब से लोगों ने मुझे ये कहना स्टार्ट किया है कि आप तो ये कर ही नहीं सकती, आप क्यों इस काम में घुस गई हो, आप नहीं कर सकती, और तब से मैं अपने ध्यान में यही बिठा लेती हूँ कि मैं जो है उनको करके दिखाऊंगी। और ठीक है, आप भी अपना एक एम सेट कर लें, अगर आपको भी यूट्यूबर या कोई भी आपने फील्ड चूज़ की है, तो आप इधर उधर की जो लोग बातें करते हैं वो आप ना सुने, वो उन पर आप फोकस बिल्कुल भी ना करें, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखें और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। अल्लाह ताला हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे ना, बस अल्लाह ताला की सपोर्ट चाहिए हमें, और सिर्फ हमारी अपनी हमें सपोर्ट चाहिए कि हम मेहनत करेंगे तो हम आगे जाएंगे। लोगों के कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप भी लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दिया करें, और जो है अगर आपने एक एम बना लिया कि मैंने ये करना और यहाँ तक मैं पहुँच के रहूँगी, तो फिर आप कर लेंगे। आपको बस मेहनत की ज़रूरत है, लोगों की बातों पर फोकस करना छोड़ दें, और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें और अपने ऊपर भरोसा रखें, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, मैं लेक्चर आपको क्यों दे रही हूँ। मुझे पता है मेरी इस वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन बस ये बात है कि मुझे कोई सुने या ना सुने, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, इससे से मैं खुद भी मोटिवेट हो रही हूँ, मैं अपनी बातों से मोटिवेट होती हूँ। काफ़ी सारे लोग जो है हमें हेट करते हैं, मुझे पता है वो नज़र लगा देते हैं, जो भी आप कह लें, लेकिन हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। अगर हम खुद अपने ऊपर भरोसा रखेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जो है इसलिए मैंने आपसे ये बात शेयर करनी थी, अगर आप न्यू यूट्यूबर बन रहे हैं मेरी तरह, आपका स्टार्टिंग है, तो आप ये ना समझें कि हमारे व्यूज़ नहीं आते, और लोग क्या कहेंगे कि वीडियो बनाते रहते तो व्यूज़ ही नहीं आते। तो बिल्कुल आप ये ना सोचें, बिल्कुल भी ना सोचें, सबका स्टार्टिंग जीरो से होता है, कोई उड़ के ऊंचाई पर नहीं चला जाता। हम जब स्टेयर चढ़ते हैं तो हम नीचे से ऊपर जाते हैं ना, स्टेप वाइज है ना, हम उड़ के तो ऊपर नहीं पहुँच जाते। इसलिए हम जो भी फील्ड चूज़ करें, हम सब जो भी है, डॉक्टरिंग है, इंजीनियरिंग है, लॉयर, जो भी, हम पहले सीखेंगे उस चीज़ को, फिर हम ऊपर जाएंगे ना, हम डायरेक्ट तो उसके ऊपर नहीं चले जाएंगे। इसलिए बस मैंने ये बात आपसे शेयर करनी थी, अगर आप मतलब मेरी बात से आपको फ़ायदा पहुँचा या आपको मेरी बात समझ आई है, तो फिर मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और वैसे जो है मैं वीडियोस बनाते हुए ये नहीं सोचती कि मेरे व्यूज़ कम आते हैं, फिर जो भी है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती। मैं सोचती हूँ कि मैंने वीडियो बनानी है, ये मेरा काम है, और मैं वेट करूँगी, कभी ना कभी व्यूज़ आ ही जाएंगे ना, इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएंगे। अपने भरोसा मिले तला भरोसा, ठीक है, जो मैंने फील्ड चूज़ की है, यूट्यूबर बनने का मेरा ख्वाब है अब, तो इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है अपने ऊपर भी और अल्लाह ताला के ऊपर भी, ठीक है। बाकी जो कुछ भी बोलता है उसको छोड़ती बस। तो लेक्चर तो मैंने आपको दे दिया, अब मैं आपको बता दूँगी वीडियो हमारे कौन से। तो वीडियो जो है मैं आजकल अपनी डेली रूटीन पे बनाती आ रही हूँ, मैं आपको अपनी सारी रूटीन आहिस्ता आहिस्ता शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पूरा दिन की अगर मैं वीडियो बनाने बैठूँ ना, बस मेरे फजूल रखते करते हम बोर ही हो जाएंगे। एनीवेज, तो आज फिर हमारी डेली रूटीन का पार्ट कौन सा, पार्ट 4 है, आई भूल गई, मैं डोंट रिमेंबर। अच्छा, तो मेरी जो डेली रूटीन वाले ब्लॉग आई थी, कुछ लोग पसंद करते हैं, तो मैं नहीं बनाना चाहूँगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरे हेयर स्टाइल वीडियोज़ भी मज़ीद चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके लिए और हेयर स्टाइल वीडियोज़ बनाया करूँगी, ठीक है। और अगर आपको मेरे डेली रूटीन वाले ब्लॉग्स पसंद है, तो आप वो भी मुझे बताएं और मैं बनाया करूँगी, ठीक है।
और बाकी आपको जो सी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दिया करें ताकि आपके लिए मैं वीडियोज़ बनाया करूँ, ठीक है। और मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए न्यू वीडियोज़ बनाऊँ, लेकिन जो मैं चैनल था मैं बना लेती हूँ, ठीक है। तो आपकी थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, आप थोड़ी सी मेरी हेल्प करें, हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें वीडियोज़ को लाइक छोटी सी वीडियो ऐसी मैंने आपके साथ कुछ बातें शेयर करनी थी। अब जो है नेक्स्ट वीडियो मेरी डेली रूटीन पे आएगी, ठीक है, वो आपने पूरी देखनी है और मेरी पिछली वीडियो भी जाकर देखें, ठीक है। चलिए वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ ना, प्लीज़।